आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अल्टरनेटर में एक्साइटेशन क्या होता है और कैसे दिया जाता है। मोस्टली पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए अल्टरनेटर का यूज़ किया जाता है और फिर बाद में अल्टरनेटर के इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर को ग्रिड में दिया जाता है। पर अल्टरनेटर को आउटपुट के ग्रिड में देने से पहले अल्टरनेटर के इलेक्ट्रिकल आउटपुट का कांस्टेंट होना ज़रूरी है, तो इस आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का काम अल्टरनेटर में लगा एक्साइटेशन सिस्टम करता है। एक्साइटेशन सिस्टम को जानने से पहले हमें अल्टरनेटर के वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अल्टरनेटर कैसे काम करता है। अल्टरनेटर के दो मेन पार्ट होते हैं, फील्ड और आर्मेचर। अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग को मूविंग मैग्नेटिक फील्ड से लिंक करवाना होगा, लेकिन अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी होता है, इसलिए फील्ड वाइंडिंग को टर्बाइन की हेल्प से रोटेट करवाया जाता है। पर जब तक फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई नहीं दिया जाता, तब तक फील्ड वाइंडिंग में कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अल्टरनेटर के रोटर वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देने के प्रोसेस को हम एक्साइटेशन कहते हैं। विदाउट एक्साइटेशन अल्टरनेटर में कोई इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस नहीं होगा। अल्टरनेटर के रोटर वाइंडिंग को एक्साइटेशन तीन तरह से दिया जाता है, डीसी एक्साइटेशन सिस्टम, स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम और ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। लेकिन एक्साइटेशन देने के बाद भी अल्टरनेटर में रिएक्टिव पावर के फ्लो साइकिल के कारण आउटपुट वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता। पर हमें अल्टरनेटर के इलेक्ट्रिकल पावर को ग्रिड में देना है, तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल रखना ज़रूरी है। तो अल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, उसे AVR यानी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर कहा जाता है। AVR अल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज को सेंस करके आउटपुट वोल्टेज के मुताबिक एक्साइटेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके आउटपुट वोल्टेज को एक कांस्टेंट वैल्यू पर मेंटेन रखता है, जो कि AVR में सेट की जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल AJ इलेक्ट्रिकल ज्ञान को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।